दोस्तों, क्या आप मोटापे से परेशान हैं? आपकी लाख डाइट करने पे, लाख एक्सरसाइज करने पे भी पेट की चर्बी कम नहीं हो रही है, आपके चेहरे की रंगत जो है वो कहीं खो गई है। तो अगर आपके पास भी ये सारी समस्या है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि आज जो ड्रिंक की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये ना कि आपके वजन को कम करेगा, आपके बेली फैट को बिल्कुल स्लिम करेगा, साथ ही आपके चेहरे के रंगत को निखारेगा और आपके पूरे दिन आपको बिल्कुल तरोताज़ा बनाए रखेगा। तो है ना ये बिल्कुल अमेजिंग ड्रिंक। तो ये वीडियो में आप शुरू से अंत तक देखते रहिए, क्योंकि इससे जुड़ी बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारियां मैं आपको दूंगी कि ये आपके लिए कितना ज़्यादा फायदेमंद है, इसके डेली पीने के क्या फ़ायदे हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर जितने लोग फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इसे लाइक कीजिएगा और अपने जो फ्रेंड हैं उनके साथ शेयर भी कर लीजिएगा, और अंत में अपने फीडबैक यानी कि कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ये आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही। तो चलिए झटपट सा देख लेते हैं कि इस ड्रिंक को हम तैयार कैसे करते हैं और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। देखिए, एक मैंने पैन लिया है और उसमें हम डालेंगे, ये देखिए, एक कप पानी, ये बड़ा कप है, ये देखिए, जिसमें कि 300 ml पानी आता है इसमें, और इसको बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे ही हम रखेंगे। और इसमें हम डालेंगे कुछ इंग्रेडिएंट्स, तो वो जो खूबसूरती के साथ साथ हमारे वेट को यानी कि हमारे वजन को भी कम करता है, वो है ये तीन इंग्रेडिएंट्स, जिसमें कि मैंने लिया है, ये है एक चम्मच सौंफ, एक चम्मच ज़ीरा, और ये मैंने लिया है हाफ टी स्पून ये टर्मेरिक पाउडर। ये तीन इंग्रेडिएंट्स है सीक्रेट, जो मेरे वेट लॉस के साथ साथ मेरे स्किन को सुंदर और सॉफ्ट ग्लोइंग बनाने में काफ़ी हेल्प करते हैं। तो चलिए इसको उसमें हम ऐड कर देंगे। तो ये तीनों मटेरियल हमें इसमें डाल देना है, ये देखिए इस तरह। अब क्या करना है कि इन्हें एक बार हम स्पून से चला लेंगे और उसके बाद इन्हें हम बॉयल होने देंगे। तो यहाँ पे देखिए, इन सभी को हम एक बार अच्छी तरह मेल्ट कर लेंगे। अब क्या करना है कि हमें इसे तब तक बॉयल करना है जब तक ये जो हमारा इसमें पानी है वो 50% न बच जाए, तब तक इसे हम बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे कवर कर देंगे और उसके बाद इसको हम अच्छी तरह बॉयल करेंगे। तो इसको कवर कर लेते हैं। यहाँ देखिए, इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसे हम बॉयल होने देंगे। तो बॉयल होने के साथ साथ चलिए अब इसके फ़ायदे मैं आपको बता देती हूँ कि हम मोटापा, हमारा जो शरीर है, मोटापा कब आता है, कैसे आता है, सबसे पहले तो इस बारे में मैं आपको बताऊँगी। तो आमतौर से कहा जाता है कि जब किसी व्यक्ति का शरीर वजन यानी कि सामान्य से आपका वेट जब ज़्यादा हो जाए तो उसे मोटापा कहते हैं। अब ये मोटापा कैसे आता है हमारे बॉडी में? आप हर रोज़ जितनी कैलोरी भोजन के रूप में आप लेती हैं, जब आपका शरीर रोज उतनी खर्च नहीं कर पाता है तो शरीर में अतिरिक्त कैलोरी फैट के रूप में जमा होने लगता है, जिससे शरीर का वजन बढ़ने लगता है। तो ऐसे में हमारे शरीर में जो मोटापा है वो काफ़ी बढ़ जाता है, और सबसे पहले बढ़ता है बेली फैट। और इसे कम करने के लिए हम बहुत सारे डाइट प्लान करते हैं, बहुत सारे एक्सरसाइज करते हैं, फिर भी क्या होता है कि हमारा वेट कम नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे ये जो ड्रिंक पियेंगे ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि इसमें मैंने लिया है जीरा। जीरा में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो फैट को कम करने में काफ़ी मदद करता है, साथ ही ये पाचन में भी बहुत ही सहायक होता है। लेकिन आप ये बात शायद नहीं जानते होंगे कि जीरा में केवल 7 कैलोरी होती है, इसलिए यह वजन घटाने के लिए फ़ायदेमंद माना जाता है। इस ड्रिंक को डिटॉक्स ड्रिंक भी कहा जाता है। अब यहाँ पे बात करती हूँ मैं सौंफ के बारे में कि सौंफ हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है। वैसे तो ये गर्मियों में इसे अगर सौंफ का यूज़ हम करते हैं तो हमारी बॉडी को ठंडक मिलती है। सौंफ में काफ़ी मात्रा में फाइबर भी होते हैं जो आपको पेट भरा होने का एहसास कराता है, इससे आप ज़्यादा कैलोरी लेने से बच जाते हैं और वजन कम करने में मदद करता है। क्योंकि सौंफ में सौंफ या फेनल सीड खाने से आप अपने मोटापे को नियंत्रण में रख सकते हैं। असल में सौंफ फैट को शरीर पर जमने नहीं देती और यह मोटापे को कम करने में काफ़ी मदद साबित होती है, इसलिए यहाँ पे मैंने सौंफ लिया है। अब बात करते हैं हम टर्मरिक पाउडर के बारे में कि टर्मरिक मैंने इसमें क्यों ऐड किया है। हल्दी में एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, वही यह पेट की चर्बी अर्थात की बेली फैट को कम करने में मददगार होता है। डेली डाइट में हल्दी को शामिल करने से आप सूजन और गैस जैसी परेशानियों से दूर रह सकते हैं, इसलिए इसे आमतौर पर हम यूज़ करते हैं।
उसके बाद ये देखिए आपका चाय बनके बिल्कुल तैयार हो गया है, और ये ड्रिंक जो है इसमें 50% पानी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, 50% ही पानी इसमें बचा है। अब गैस का फ्लेम हम ऑफ करेंगे और इसमें हम नींबू को निचोड़ लेंगे। ये देखिए इसमें नींबू जो है हाफ नींबू मैंने लिया है, क्योंकि ये नींबू मेरा काफ़ी जूसी था। अगर आप चाहें तो एक नींबू भी ले सकती हैं। अब नींबू का रस शरीर में कैलोरी की मात्रा को कम करने के साथ साथ वजन कम करने में काफ़ी मदद करते हैं, क्योंकि नींबू पानी में कैलोरी की मात्रा काफ़ी कम होती है। माना जाता है कि कैलोरी का सेवन कम करने से वजन कम होता है। तो यहाँ पे देखिए इन सभी को अच्छी तरह हम छान लेंगे और उसके बाद इसमें जो ये मटेरियल को हटा लेंगे। अब आप इसे बिल्कुल सिप सिप करके आप इसे पी सकती हैं, आप इसे सुबह पी सकती हैं, आप इसे इवनिंग में पी सकती हैं। ये बहुत टेस्टी लगता है। अगर आपको लगे कि नहीं मुझे थोड़ा सा इसके टेस्ट फ्लेवर थोड़ा मीठा चाहिए, तो आप इसमें हनी 1 स्पून ऐड कर सकती हैं। इसे आप सुबह और शाम पी सकती हैं। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। इससे वेट लॉस बहुत ही तेज़ी से होता है, खासतौर से आपका बेली फैट। आपके स्किन पे अगर पिंपल्स आ रहे हैं, दाग धब्बे हैं, तो ये ड्रिंक से आपके चेहरे की रंगत जो है बिल्कुल निखरने लगेगी धीरे धीरे करके। आप इसे, और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप इसे डेली सुबह शाम पी सकती हैं। और अगर आप कहेंगे कि इसे कितने दिन पीना है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी रंगत हमेशा निखरती रहे और आपका जो फैट है हमेशा कंट्रोल में रहे, तो इसे डेली मॉर्निंग टाइम में आपको इसे लेना है। ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, बहुत ही अच्छा है कि इसे खाली पेट ही पीना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इसलिए आप इस ड्रिंक को खाली पेट ही पिए तो ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इसके साथ साथ आपको डाइट पर भी अपने ध्यान देना है और साथ साथ नियमित रूप से एक्सरसाइज और व्यायाम भी करना है। तो चलिए आज की वीडियो इतना ही। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही, कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को मेरे अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर देर किस बात की, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इसी तरह और भी यूनिक और भी इंटरेस्टिंग रेसिपी लेके आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।